उठा भी दिया गाइस, वाह। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यार हम लोग चुंबक बनाने वाले हैं। तो गाइज अगर आपको पता है चुंबक कितने प्रकार का होता है तो हमें जो बताना गाइज कमेंट करके, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा इसकी चुंबक दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक चुंबक जो कि आप यहाँ पर हमारे साइड देख सकते हो, और दूसरा होता है गाइज कृत्रिम चुंबक यानी कि जो हम लोग बनाते हैं बैटरी की सहायता से, तो उसे भी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो गाइज यार आज के इस वीडियो में यार हम लोग बैटरी की सहायता से चुंबक बनाने वाले हैं, क्योंकि गाइज यार प्राकृतिक चुंबक तो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाकर देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं बैटरी की सहायता से चुंबक, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप भी बैटरी की सहायता से चुंबक बनाना सीख जाओगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। तो गाइज यार मैग्नेट बनाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ बालवीर से, बालवीर का परी तारा वाला बॉक्स मैंने छीन के लाया है, आपको दिखा देता हूँ गाइज कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है गाइज। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इसके अंदर हम जो मैग्नेट बनाने वाले हैं वो इसी अंदर रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर गाइज इसके अंदर बहुत कुछ है गाइज। ये वाला मैग्नेट मैंने बनाया है, अब मैं इसी वीडियो में आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना गाइज। तो यहाँ पर जैसे हम इसमें बैटरी टच करेंगे उसके बाद ये बहुत ही पावरफुल चुंबक बन जाएगा। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं एक बैटरी भी है, उसके बाद एक चिमटी भी है और बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आप देख ही पा रहे हैं गाइस। तो इसको रखते हैं अब हम साइड, इसमें से हम एक काम की चीज़ जो है उसको निकाल लेता हूँ, यहाँ पर इसको हम निकाल के इसको बंद रखते हैं, इसको साइड लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर गाइस इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो तो गाइस यार हम मैग्नेट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नट ले लेंगे कुछ इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ पर हम 1 मीटर वायर लेंगे, कॉपर वायर जो कि मोटा वाला होना चाहिए, कम से कम 2 mm मोटा उसके ले लेंगे। उसके बाद हम टेप ले लेंगे, इसकी सहायता से हम यहाँ पर चिपका देंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम कॉपर वायर को लेंगे, उसके बाद इस प्रकार से हम लपेट देंगे। इसी प्रकार से आपको भी लपेटना है गाइस, वरना आपका भी मैग्नेट काम नहीं करेगा। और अब ये फाइनल चुंबक बन गया है, तो इसको अब हम यहाँ से बैटरी की एक सप्लाई को हम इसके वायर से दे देंगे, एक वायर से, उसके बाद एक वायर को यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। वायर को जोड़ देगा, ये बैटरी फाइनल बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब मैं आपको चिपका कर दिखाता हूँ एक बार नॉर्मली सी। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ नट है गाइस, इसी के नट का है, तो मैं यहाँ पर चिपका कर दिखाता हूँ आपको, ये चुंबक नहीं बनना है। तो आप देख सकते हो ये चुंबक नहीं बनना है, ना ही इसके अंदर चिपक रहा है। तो आप देखना गाइस जैसे हम पावर करेंगे, ऑन करेंगे, उसके बाद ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर ये कितना अच्छे तरीके से मैगनेट बन गया, काफ़ी हैवी मैगनेट है, बन गया इसे एक बार ध्यान से मैं चालू कर दिया हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर ये चिपक गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। और जैसे ही मैं पावर बंद करूँगा ये अपने आप गिर जाएगा, तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब थोड़ा सा बड़ा चेंज करूँगा ताकि आप लोगों को मज़ा भी आए। तो भाई यार मेरे पास यहाँ पर एक ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री बॉक्स है, इसके अंदर कुछ है, थोड़ा सा ये वजन है तो इसलिए इसको उठाने की कोशिश करूँगा, देखते हैं उठता है या फिर नहीं। तो चलिए मैं इसके पावर को ऑन करता हूँ एक बार। तो अभी गाइस इसके अंदर पावर नहीं है, मैंने पावर को बंद करके रखा है और अब मैं इसको पावर चालू करने जा रहा हूँ। तो पावर चालू कर दिया है, अब देखना गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस इसके पावर को उठा रहा है ये, और अब देख सकते हो गाइस यहाँ पर इसको ये उठाने की कोशिश कर रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से, उठा भी दिया गाइस, वाओ इट्स अमेजिंग गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पर ये उठा दिया इसको, काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। तो गाइस यार आपने देख लिया ये चुंबक कितना ज़्यादा खतरनाक तरीके से काम करता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चिपकता है। लेकिन गाइज आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग गाइज मोबाइल की बैटरी के साथ मत करना गाइज, क्योंकि ये बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हीटिंग करता है, इससे ब्लास्ट भी हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग इसको सेल की सहायता से प्रयोग करो, या फिर आपके पास इस तरह का कोई भी बैटरी है तो इससे आप करो, क्योंकि इससे कोई खतरा नहीं रहता है। तो अब आप लोग समझ ही होंगे गाइज कि ये कितना अच्छे तरीके से काम करता है और बनता भी है गाइज, केवल किताब में लिखा ही नहीं बल्कि ये अच्छे से प्रयोग भी किया गया है और आपको दिखा भी दिया प्रयोग करके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी,